रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके पास आई हूँ अच्छी अच्छी कलेक्शन लेके 14 अगस्त की, क्योंकि हमारे मुल्क में 14 अगस्त बड़ी जोशो खरोश से मनाई जाती है। जैसे ही फर्स्ट आने लग जाती है, लोग घरों में कपड़े स्टिच करने शुरू कर देते हैं या करवाने लग जाते हैं। मैं आपके साथ कुछ बच्चों के आइडियाज़ शेयर करने लगी हूँ। ये मैंने लहंगा बनाया है और इसके नीचे ये मैंने फ्रिल लगाई है लहंगे के नीचे, और इसके ऊपर ये मैंने चूंट्स डाल के जाली लगाई है, नेट जिसे हम कहते हैं, वो लगाई है मैंने यहाँ पे भी। और ये देखें, मैंने इसके ऊपर रख के ये चूंट्स लगाई हैं। मैं इसको आपको और ज़्यादा करीब से दिखा देती हूँ। एक दूसरे के ऊपर रख के, जिसे हम प्लेट भी कह सकते हैं, ये मैंने उस तरह से डाली हैं इसकी प्लेट्स। ये मैंने आगे पीछे इसके दोनों साइडों पर लगाया लहंगे के, और इसकी लुक बहुत ही खूबसूरत आती है पहनी हुई। ये बहुत ही प्यारी लगती है। इसकी मैंने चोली बनाई है वाइट कलर की, और ये उसके ऊपर मैंने स्टार काट के लगाया है। ये भी मैंने नेट का ही स्टार लगाया है, और नीचे मैंने दिल लगाए हैं, और इसके ऊपर भी मैंने इसी तरह की चूंट्स डाली हैं प्लेट्स, ये एक दूसरे के ऊपर रख के। और ये मैंने दिल लगाया है स्टार्स वाले। ये इसकी वाइट कलर की चोली है, और ये इसके ऊपर से मैंने बनाया है। ये भी नेट की ही बनी हुई है, छोटी सी स्टार्स वाली। ये इसके ऊपर से पहनने वाली बास्केट, ये देखें। इसको मैंने गोल में कटिंग की है इसकी, ये फ्रंट से गोल में है। मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ, ये देखें। इसकी मैंने इस तरह से गुलाई में इसकी कटिंग की है, और यहाँ पे स्टिप्स लगा दी हैं इसको बंद करने के लिए। और ये विदाउट स्लीव्स है, और ये बहुत ही अच्छा लगता है छोटे बच्चे का। आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसे स्लीव्स लगाना चाहते हैं कि नहीं, लेकिन ये आप छोटे बच्चे के पहनाएंगे स्टिच करवा के, तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। अब हम आते हैं अपने सेकेंड ड्रेस की तरफ। ये भी ग्रीन कलर का ही मतलब ये भी ग्रीन ही कलर का 14 अगस्त के लिए है। ये देखे, मैंने इसकी बॉडी जो है वो मैंने लॉन्ग बनाई थी, और उसे मैंने नीचे मिड में छोड़ दी हुई है नीचे, और उसके नीचे करके ये मैंने घघरी जो है वो लगाई है, और ये ऊपर इसके छोटी सी लगी हुई है। और इसके ये देखें, ये मैंने इस दोनों साइडों के ऊपर पिनटैक्स डाली हैं, छोटी छोटी पिनटैक्स, इस तरफ भी डाली हैं पिनटैक्स और इस तरफ भी डाली हैं। और ये इसके ऊपर मैंने ये लगाए हैं स्टार्स, ये लीव्स बने हुए हैं वाइट कलर में। ये मैंने इसके पूरे पिनटैक्स के ऊपर, ये देखें, इनकी मैंने लगाई है, और दरमियान में मैंने बनाया है चांद और सितारा। ये देखें, मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ, चांद और सितारा। और ये मैंने इसके पल के साथ लटका दी हैं लड़ियाँ, और नीचे इसका जो दामन है वो भी इस तरह की शेप में है, ये देखें आप, गोल सर्कल की शेप में। और इनके ऊपर भी ये देखें लीव्स मैंने लगाए हैं। ये भी छोटे से बच्चे का ही ड्रेस है, कोई 4 से 5 साल के बच्चे को ये इजीली आ जाएगा। इसके ये देखिए कितना खूबसूरत लगता है, ये घर में आप इजीली बना सकते हैं स्टार्स के साथ। ये बाज़ार से इजीली मिल जाते हैं, और आप इसको खुद से। और अब हम आ जाते हैं इसकी बैग के ऊपर। ये देखिए, मैंने इसकी बैग के ऊपर भी काम किया, ये मैंने इसके ऊपर पूरा एक झंडा बना दिया है, ये ग्रीन कलर का, और ये वाइट उसका हिस्सा, और ये मैंने सारे स्टारों के साथ ही काम किया है। छोटे स्टार मिलें या बड़े मिलें, आपको जो भी आपके घर में अवेल हो वो आप इसको बना सकते हैं। और ये इसकी इधर भी साइडों पर मैंने पिनटैक्स डाली हैं, जैसे मैंने फ्रंट पे डाली हैं उसी तरह ये मैंने बैक पे भी 3-3 पिनटैक्स डाली हैं, ये देखें। और इसके भी मैंने यहाँ पे लटकाई हैं लड़ियाँ, और इसका जो दामन है वो भी उसी तरह से है, गोल गुलाई में आगे और पीछे से, और ये पीछे मैंने डोरी लटका दी है। आप इसके साथ मतलब फिटिंग हो जाती है बच्चे की, ना भी करना चाहें तो भी ये अच्छी लगती है लगी हुई।
ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ड्रेस। अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे ड्रेस की तरफ। ये भी 14 अगस्त की है कुर्ती। आप इसके ऊपर ये देखिए, मैंने सिंपल ही स्टिच किया है, कोई ख़ास इस पे मेहनत नहीं की। इसके गले के ऊपर ये मैंने डोरी लगा दी है और गोटा लगा दिया है। गोल मैंने गला बनाया है इसकी, और ये मैंने इसकी स्लीव्स बनाई हैं ये देखें कट वाली, और इसके ऊपर भी मैंने डोरी लगा दिया है। और ये मैंने इसके जो नीचे दामन है उसके नीचे मैंने लैस लगा के ऊपर डोरी लगा दी है, और ये मैंने मोटिव लगा दिए वाइट कलर के। आप इसे वाइट कलर की शलवार के साथ कैरी कर लें या टाइट के साथ कैरी कर लें, पैंट के साथ पहन लें। कुर्तियों का यही फ़ायदा है कि वो किसी चीज़ के साथ भी एडजस्ट हो जाती हैं, तो इसलिए ये मैंने कुर्ती बनाई है ग्रीन कलर में, जो कि 14 अगस्त पे पहनी हुई अच्छी लगेगी। और एक ये मैंने छोटी सी बनाई है 14 अगस्त के लिए। आप इसके नीचे से लॉन की या फिर वेल की, जो भी आप चाहें, इसके नीचे से ग्रीन कलर की लगा लें या पहन लें। तो मैंने तो इसके नीचे लगाई हुई है कि मतलब ये बच्चे को चुभे ना। ये सिर्फ आप ऊपर वाला है इसका टॉप, और इसके नीचे से मैं बच्चे के पैंट पहना सकती हूँ, या आप भी पैंट पहना लें, जो भी आपका दिल करे आप पहना लें। तो ये मैंने इसके ऊपर गला लगाया है, और ये मैंने सिंपल स्टिच किया, कोई इस पर मैंने ख़ास मेहनत नहीं की। गोल गले की कटाई की है, और उसके ऊपर ये मैंने वाइट कलर का गला लगा दिया ताकि वाइट पैंट के साथ ये अच्छा लगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे डिज़ाइन बहुत अच्छे लगे होंगे 14 अगस्त के। तो इंशाल्लाह फिर दोबारा आएंगे नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।